लंबे अरसे से बंद भारत नेपाल बॉर्डर को खोलने का आदेश नेपाल सरकार ने जारी कर दिया है। नेपाल सरकार ने भारत से जाने वाले लोगों के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। इस गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग नेपाल की यात्रा कर पाएंगे। नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर को खोल दिया गया है। नेपाली गृह मंत्रालय ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। नेपाली सरकार के फैसले के मुताबिक गाइडलाइंस का सभी को सख्ती से पालन करके नेपाल का यात्रा कर सकते हैं। नेपाली सरकार के फैसले के मुताबिक गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए लोग नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान नियमों को काफ़ी सख्त रखा गया है। नेपाल दौरे पर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा से पहले एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर किसी यात्री में कोई भी कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो वो कोविड-19 जांच के बाद ही नेपाल में प्रवेश कर सकता है। आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने बॉर्डर खोलने को लेकर मंगलवार को ही फैसला कर लिया था, लेकिन इसको लेकर आदेश अब जारी किया गया है। नेपाल यात्रा को लेकर वहां की सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उसके मुताबिक अब यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद यात्री को नेपाल में प्रवेश के 72 घंटे के अंदर कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ वेबसाइट पर लॉगिन कर फॉर्म भरना जरूरी है। भारतीय यात्री ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उसकी एक कॉपी बॉर्डर पर प्रवेश करते वक्त जमा करेंगे। नेपाल बॉर्डर पर उन्हीं लोगों को एंट्री करने की अनुमति दी जाएगी जिनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव हो। अगर इमिग्रेशन पॉइंट पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है तो इस तरह का टेस्ट उस होटल में होगा जहां आप यात्रा के दौरान नेपाल में ठहरे हैं। ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण आगमन फॉर्म की एक प्रिंट प्रति के साथ एक भारतीय नागरिक को नेपाल भारत सीमा पर भूमि मार्ग से नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में नेपाल में प्रवेश करते समय कोविड-19 के लक्षण देखे जाते हैं तो साफ तौर पर कहा गया है कि उस व्यक्ति को नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जब ऐसे व्यक्ति की एंटीजन का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव होगा तभी उस व्यक्ति को नेपाल में प्रवेश करने को मिलेगा। नेपाल में प्रवेश करने के 72 घंटों के अंदर कोविड-19 का परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए। इसके अलावा उड़ान से 48 घंटे पहले नेपाल में किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कोविड-19 के परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव होना आवश्यक है।